मसरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के चरिया स्थित आवास पर आयोजित भाजपा के सम्मान समारोह सह भाजपा मिलन समारोह में मसरक प्रखंड राजद के वरिष्ठ नेता व सोनौली गांव निवासी जावेद अंसारी अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राजद की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों एवं वंशवाद के विरोध में राजद से त्यागपत्र देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह गंगा समग्र अभियान के प्रदेश संयोजक अजय यादव, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी त्रिभुवन तिवारी, मसरक दक्षिणी मंडल भाजपा अध्यक्ष जमादार यादव, विधान पार्षद ई सच्चिदानंद राय के प्रतिनिधि व बीजेपी नेता कुमार रजनीश उर्फ झुन्ना पांडे की मौजूदगी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने माला और अंगवस्त्र पहनाकर जावेद अंसारी का भाजपा में स्वागत किया और कहा कि जावेद अंसारी के भाजपा में आने से भाजपा पहले से और अधिक मजबूत होगी। भाजपा में शामिल होने के पश्चात अंसारी ने कहा कि वे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में किए गए कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र से वे काफी प्रभावित हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के मिलने के पश्चात उनके निर्देश पर भाजपा में शामिल हुआ। मैं भाजपा को पूरे जिले में मजबूत करूंगा और अल्पसंख्यकों के हित एवं अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा और आगामी विधानसभा चुनाव में राजग गठबंधन को पुनः सत्ता में लाने के लिए मुसलमानों को पूरे जिले में जोड़ूंगा। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के निर्देश पर भाजपा मसरक दक्षिण मंडल के अध्यक्ष जमादार यादव ने जावेद अंसारी को भाजपा मसरक दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष मनोनीत किया और कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जावेद अंसारी के भाजपा में जुड़ने से भाजपा पहले से और सशक्त और मजबूत होगी। इस अवसर पर भाजपा नेता महेश्वर सिंह, उदय सिंह, मनबोध सिंह, प्रमोद सिंह, राजदेव महतो, दीपक सिंह, रंजीत कुशवाहा, श्याम बिहारी सिंह, रजनीश कुमार और झुन्ना पांडे, मैनेजर मिश्र, राजेश कुमार शर्मा उपस्थित थे। पूरे जमात के लोगों का दबाव था कि नहीं, जावेद अंसारी जी को अपने टीम में बुला जाए और आप हम बार बार जाते थे, हम कहते थे, आपने स्वीकार किया। अच्छा रहा आज के कार्यक्रम में हमारे सोनौली ग्राम के जावेद अंसारी जी भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने। सबों ने मिल करके उनका आदर किया, सत्कार किया। वो हमारे पुराने मित्र रहे हैं, हमारे भाई के भी मित्र रहे हैं। उनके आने से अल्पसंख्यक लोगों में, खास करके मुस्लिम समुदाय लोगों में, नौजवानों में, जो मुस्लिम समुदाय के नौजवान बच्चे हैं, उन लोगों में बड़ा ही खुशी का माहौल है। सब लोग आए थे और सबों ने कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, उनकी सराहना करते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों की आस्था है, हम लोगों के प्रति कोई बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, यही सोच करके, यही सोच समझ करके हम लोग जावेद अंसारी जी को बार बार कहते थे कि हम लोग चलें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर चलना ही हम लोगों के समाज के लिए अच्छा रहेगा, समाज की बेहतरी के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग अब बेहतर समाज का निर्माण भारतीय जनता पार्टी में रह करके करेंगे, जावेद अंसारी जी ने ये कहा। आज तो आप भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए हैं, क्या खासियत देखिए आप भाजपा के मेंबर में हैं? आज मैं श्री तारकेश्वर सिंह के घर पर भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया हूं। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकलाप को देखते हुए, सबका साथ सबका विकास को उन्होंने सुचारू रूप से हर वर्ग के लोग घर तक पहुंचाया है। इंदिरा आवास सभी समुदाय को, गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री इंदिरा आवास के जो योजना से लाभान्वित पहुंचाने का कार्य किया है। बिजली हर घर तक पहुंचाने का उनका जो लक्ष्य था वो गांव-गांव तक पहुंच गया है। इस सारे चीज़ों को देखने के बाद
मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का आज श्री तारकेश्वर सिंह के दरवाजे पर अपना इच्छा जाहिर किया, जिससे भाजपा के सभी पदाधिकारीगण मौजूद थे और हमको सदस्यता ग्रहण कराया गया। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।